अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जावेद इकबाल है। मैं अबू ज़ैबी में ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर हूँ। आज मैं आपको स्मार्ट ड्राइविंग टेस्ट के बारे में कुछ टिप्स बताऊँगा जिससे आप इजी टेस्ट को पास कर सकें। फाइनल टेस्ट रोड के लिए किसी को फाइनल टेस्ट रोड के लिए ट्रेनिंग चाहिए, या पार्किंग पैरेलल या 90 डिग्री के लिए रिवर्स पार्किंग के लिए हेल्प चाहिए, या ब्रिज के लिए मैनुअल और ऑटो दोनों गाड़ी के लिए, या अबू धाबी में लाइसेंस के रिलेटेड कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप व्हाट्सएप या कॉल इस नंबर पे कर सकते हैं। अभी मैं आपको मैनुअल गाड़ी के बारे में बताऊंगा। मेरे पास अभी मैनुअल गाड़ी है। सबसे पहले जब आपने गाड़ी में बैठना है, आपने सीट को एडजस्ट करना है, फिर मिरर्स को, फिर आपने सीट बेल्ट बांधना है। इसको बोलते हैं SMS। सीट कैसे आपने एडजस्ट करना है, सबसे पहले आपका जो लेफ्ट हैंड है स्टीयरिंग के ऊपर होना चाहिए और राइट साइड में ये नीचे सीट का लॉक लगा हुआ है, इसको आपने दबा के जिधर आपको इजी है सीट उधर आपने इसको कर लेना है। और डैशबोर्ड से और आपका ये जो नी है इससे तकरीबन 3-4 अंगली का आपका डिस्टेंस होना चाहिए। उसके बाद जो बैक साइड में आपका हेड रेस्ट है, इसको आपने लेफ्ट साइड में ये छोटा सा लॉक लगा हुआ है, इसको आपने दबा के जिधर आपको सीट इजी है आपने उसको उधर रख लेना है। यानी ये स्टीयरिंग के ऊपर हाथ रख के आपका ये डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। उसके बाद आपने मिरर को कैसे एडजस्ट करना है, सेंटर मिरर आपने बैक साइड से इसको पकड़ना है, फ्रंट से आपने नहीं पकड़ना, ना इसका स्क्रीन के ऊपर इसको टच करना है। बैक साइड से पकड़ के जो पीछे वाला बड़ा स्क्रीन है या उसका जो चारों कॉर्नर है वो आपको इजी नजर आ रहा है तो आपका मिरर सही है, या जो पीछे वाला सीट है उसका अगर तीनों हेड रेस्ट आपको नजर आ रहा है तो फिर भी आपका मिरर सही है। दूसरे नंबर पे आपने लेफ्ट और राइट मिरर को एडजस्ट करना है। इनको आपने कैसे एडजस्ट करना है, ये मिरर को एडजस्ट करने का तरीका, इसके तीन पार्ट है, 20%, 40 और ये 40। ये जो 20% है इसमें से अगर पीछे वाला आपको डोर का हैंडल स्टील हैंडल नजर आ रहा है तो आपका मिरर बिल्कुल सही है। उसके बाद ये जो 40% ऊपर वाला है इसमें से आपको पीछे बैक व्यू के लिए इसको आपने इस्तेमाल करना है। नीचे से आपने जब गाड़ी चलाना है आपको मालूम होएगा कि मेरा लाइन टच हो रहा है या लाइन के करीब है, या लेफ्ट में राइट में दोनों साइड आप चेक करेंगे आपको मालूम होएगा, इधर से नीचे से जो 40% इससे आपको मालूम होएगा। अभी आपको अगर इसको एडजस्ट करना है ये आउट है तो ये चार कॉर्नर वाला बटन है, इसके साथ एक छोटा सा ये ऊपर में और छोटा सा बटन लगा हुआ है, इसको आपने राइट में करके इसके साथ डाउन अप लेफ्ट राइट आपने राइट मिरर को करना है। अभी अगर इसको लेफ्ट में कर दिया तो फिर आपने इसको ये देखना, ये डाउन अप, उसके बाद ये अप है, ये डाउन है, ये राइट लेफ्ट, जिधर आपको इजी है वो आपने इसको रख लेना है। देखने में पूरा आपको क्लियर आना चाहिए। अभी जब आपने गाड़ी को रोड पे चलाना है, सबसे पहले आपने रोड पे जाने के बाद आपने 300-400 मीटर हर वक्त आगे रोड को स्कैन करके रखना है। यानी आपको मालूम होना चाहिए कि आगे कोई गाड़ी इमरजेंसी स्टॉप खड़ा है, या उसके बाद आगे जंप आ रहा है या राउंड अबाउट आ रहा है, उसके हिसाब से आपने गाड़ी को स्लो करना है या लाइन को चेंज कर लेना है। यानी हर वक्त आगे 300-400 मीटर रोड का जो सिचुएशन है वो आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद जब भी आपने गियर को चेंज करना है, सबसे पहले आपने सेंटर मिरर को देखना है, उसके बाद आपने गियर को चेंज करना है। जब भी आपने ब्रेक लगानी है, सबसे पहले आपने सेंटर मिरर देख के उसके बाद आपने ब्रेक को प्रेस करना है। अभी आपने लाइन को चेंज करना है, अगर फॉर एग्जांपल आप जा रहे हैं, आपका एग्जामिनर आपको बोलता है कि आपने लाइन चेंज करना है, लाइन चेंज करने का तरीका सबसे बेहतरीन क्या है कि आपने सबसे पहले सेंटर मिरर देखना है, उसके बाद आपने राइट मिरर को देखना है, फिर आपने ब्लाइंड स्पॉट या शोल्डर को देखना है। ये देखने के बाद अगर आपका लाइन खाली है जिस लाइन में आपने जाना है तो फिर आपने इंडिकेटर लगा के उसके बाद आपने लाइन को चेंज करना है। और लाइन चेंज करने का तरीका क्या है कि सडनली आपने स्टीयरिंग को मूव नहीं करना है, स्लोली स्लोली आपने स्टीयरिंग मूव करके लाइन शार्प शेप में आपने लाइन को चेंज करना है। इसके बाद जब आपने ड्राइव करना है तो हर 5 सेकंड के बाद आपने सेंटर राइट और लेफ्ट मिरर को देखना है। पहले फॉर एग्जांपल आपने सेंटर मिरर देखा, फिर आपने आगे देखना है, फिर 5 सेकंड के बाद आपने राइट मिरर को देखना है, फिर आपने आगे देखना है,
फिर आपने लेफ्ट मिरर देखना है 5 सेकंड के बाद, फिर आपने आगे देखना है। इस तरह हर 5 सेकंड के बाद आपने मिरर को देखना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके टेस्ट के लिए। इसके बाद अभी आगे हम जाएंगे तो राउंड अबाउट आएगा। राउंड अबाउट से आपने कैसे एंटर होना है या किस तरह आपने लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, सीधा जाना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपने राइट कैसे जाना है। राउंड अबाउट से आपने राइट जाना है तो ओनली आपने राइट लेन से आप राइट लेन में राइट जा सकते हैं। लेफ्ट और यू टर्न करना है तो आप ओनली लेफ्ट लाइन से जा सकते हैं। सीधा जाने के लिए आप तीनों लाइन में से किसी से भी आप सीधा जा सकते हैं। कुछ हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, उनका ख्याल होता है कि मैं सेंटर लाइन से भी लेफ्ट कर सकता हूं, लेकिन वो गलत है। आपने सिर्फ लेफ्ट लाइन से लेफ्ट और यू टर्न करना है। राउंड अबाउट के अंदर जिस लाइन में आपने इन होना है उसी से आपने एग्जिट करना है, यानी जिस लाइन से आप इन हुए हैं उसी से आपने आउट भी होना है। और राउंड अबाउट के अंदर आपकी स्पीड लिमिट मिनिमम 20 और मैक्सिमम 40 होनी चाहिए। और आपने राउंड अबाउट के अंदर फर्स्ट और सेकंड गियर को यूज करना है, इसके अलावा आप बड़ा गियर नहीं यूज कर सकते। अभी मेरे पास मैनुअल गाड़ी है, इसलिए मैं आपको क्लच के बारे में बताएगा कि आपने क्लच को कहां से पकड़ना है और आपने इसको कैसे छोड़ना है। सबसे पहले आपने क्लच को जो पाँव का अगला हिस्सा है, आपका फिंगर, पाँव के जो फिंगर हैं, ये जगह से आपने क्लच को दबाना है, पकड़ना है। उसके बाद आपने गियर लगा के थोड़ा सा एक्सीलेटर दे के क्लच को थोड़ा सा लूज़ करना है। ये थोड़ा सा एक्सीलेटर मैंने अभी दिया, अभी थोड़ा सा क्लच मैंने लूज़ किया, फिर थोड़ा सा आपने दोबारा एक्सीलेटर देना है, फिर थोड़ा सा आपने क्लच को लूज़ करना है। जब आपका क्लच हाफ हो जाएगा तो आपका गाड़ी थोड़ा थोड़ा मूव करना शुरू हो जाएगा। मूव होने के बाद आपने थोड़ा सा एक्सीलेटर दोबारा दे के जब आपका स्पीड लिमिट 20 हो जाएगा तो आपने फिर एक्सीलेटर छोड़ देना है और क्लच को नीचे दबा के आपने सेकंड गियर देना है। सेकंड गियर देने के बाद फिर आपने आराम से थोड़ा थोड़ा एक्सीलेटर देना है और थोड़ा थोड़ा क्लच को छोड़ना है, यानी दोनों पाँव का आपका बैलेंस होना चाहिए। उसके बाद जब भी आपने क्लच को पकड़ना है, किसी टाइम भी क्लच को पकड़ने से पहले आपने एक्सीलेटर को छोड़ के क्लच को नीचे दबाना है। ऐसा नहीं है कि आपने एक्सीलेटर भी दबाया हुआ है और क्लच को भी नीचे दबा देंगे तो आपका गाड़ी साउंड करेगा, यानी इंजन से साउंड आएगा तो वो आपका मिस्टेक काउंट होएगा। अभी आपको मैं बताऊंगा कि आपने गियर कैसे लगाना है और गियर कैसे चेंज करना है। क्यों, मैनुअल गाड़ी है, जब आपने सबसे पहले गियर लीवर को ऐसे ऊपर आपने हाथ रख के इसको पकड़ना है। उसके बाद पहला गियर आपने इसका तीन लाइन है, पहला और दूसरा गियर ये मेरी तरफ है यानी ड्राइवर सीट की तरफ, तीसरा और जो चौथा है ये सेंटर में, पांच और रिवर्स आप इसको राइट साइड में लीवर को प्रेस करेंगे तो वो आपका लगेगा। अभी क्लच दबा के आपने सबसे पहले फर्स्ट गियर इसको इधर से पकड़ा और ड्राइवर सीट की तरफ लीवर को दबा के आपने ये ऊपर किया तो आपका फर्स्ट गियर हो गया। अभी आपने सेकंड गियर, फिर इसको डायरेक्ट नीचे नहीं खींच लेना है, सबसे पहले इसने आपको ड्राइवर सीट की तरफ दबा के सेंटर में 1 सेकंड रोक के फिर सीधा नीचे लेके जाना है, ये आपका सेकंड गियर होएगा। अभी सेकंड गियर से थर्ड गियर कैसे देना है, कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो डायरेक्ट इसको ऊपर ऐसे कर देते हैं, ऐसे करने से वो आपका गियर बराबर लग जाएगा, लेकिन वो बराबर जो तरीका है इससे आपका जोर लगेगा और जोर लगने से आगे आपका स्टीयरिंग मूव होएगा, ये तरीका सही नहीं है। इसको ये सेकंड गियर दिया है, अभी इसको आपने लीवर को मेरी तरफ यानी ड्राइवर सीट की तरफ प्रेस करके सीधा ऊपर सेंटर में रोक के फिर राइट साइड में इसको थोड़ा सा प्रेस करके सीधा ऊपर करोगे, ये आपका तीसरा गियर लग जाएगा, बिल्कुल ईजी लगेगा। उसके बाद डायरेक्ट आपने सेंटर में थोड़ा सा 1 सेकंड रोक के नीचे सीधा लेके जाना है, ये आपका फोर्थ गियर हो जाएगा। अभी आपने फोर्थ से फिफ्थ कैसे देना है, यानी 5 गियर कैसे देना है, इसको फिर आपने न्यूट्रल करना है, सेंटर में लेके फिर फुल आपने राइट में दबा के लीवर को ऊपर करना है तो ये आपका 5 गियर हो जाएगा। अभी 5 से नीचे कैसे आना है 4 में, फिर इसको न्यूट्रल करना है, न्यूट्रल करके इसको सेंटर में छोड़ देना है, सेंटर में छोड़ने के बाद फिर नीचे आप करेंगे लीवर को तो 4 गियर आएगा। अभी 4 से थर्ड कैसे देना है, ये न्यूट्रल किया फिर ऊपर, ये थर्ड गियर हो गया।
अभी थर्ड से सेकंड और सेकंड से थर्ड गियर नए स्टूडेंट को लगाने के लिए बहुत मुश्किल होता है, और इससे उसका आगे गियर लगाने के टाइम स्टीयरिंग मूव भी होता है। जब मूव होता है तो लैंड टच होता है, वो आपका मिस्टेक काउंट होएगा। इसको आपने सीधा सेंटर में न्यूट्रल करना है। न्यूट्रल करके फुल ड्राइवर सीट की तरफ आपने इसको दबा के नीचे करना है, तो आपका सेकंड गियर आ जाएगा। अभी सेकंड से फिर थर्ड के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसको इधर ये ऊपर, फिर राइट में, फिर डायरेक्ट ऊपर दिया, ये आपका थर्ड गियर आ जाएगा, और बहुत इजी इसमें आपको गियर लगाने में फील होएगा। अगर आप ऐसे डायरेक्ट ऊपर करोगे तो ये आपका जोर भी लगेगा और आपका गियर बराबर नहीं लग पाएगा। जब गियर आपका बराबर नहीं लगेगा तो आगे से आपका स्टीयरिंग मूव होता रहेगा। जब गियर आपने लगाना है तो आपका पूरा फोकस, नजरें आपकी आगे फ्रंट पे होनी चाहिए, आपके स्टीयरिंग यानी कंट्रोल होना चाहिए, मूव नहीं होना चाहिए। और इसका गियर का लीवर का जो लगाने का तरीका है, ये पिक्चर आपके माइंड में होना चाहिए, यानी तस्वीर जो गियर का ये पिक्चर है ये आपके माइंड में हो, और इससे आप गियर लगाएं, और नजरें आपके पूरी आगे होनी चाहिए। गियर देख के आपने नहीं लगाना, अगर आप गियर को देख के लगाओगे तो वो भी आपका मिस्टेक काउंट होएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपने गियर डाउन आप कैसे करना है। जब आपकी आप खड़े हैं तो आपने फर्स्ट गियर जीरो पे लगाना है। जब आपकी स्पीड लिमिट 20 हो जाएगी तो आपने सेकंड गियर को लगाना है। जब आपकी स्पीड लिमिट 40 हो जाए तो आपने थर्ड गियर को लगाना है। उसके बाद जब आपकी स्पीड लिमिट 60 हो जाएगी तो आपने फोर्थ गियर लगाना है। फोर्थ गियर लगा के नॉर्मल आपने टेस्ट एरिया में 80 तक, फोर गियर के साथ 80 तक आप गाड़ी को ड्राइव कर सकते हैं। अगर आपका एग्जामिनर आपको डिमांड करता है कि आप और ज़्यादा गाड़ी फास्ट चलाएं, तो फिर आपने 80 के बराबर 5 गियर देना है। 5 गियर देने के बाद आप 100 तक नॉर्मल गाड़ी टेस्ट एरिया में आप चला सकते हैं। अभी आपने गियर को डाउन कैसे करना है। आप 100 पे जा रहे हैं, आपका 5 गियर है, तो जब आपकी स्पीड लिमिट 80 हो जाएगी तो आपने 4 गियर को लगाना है। उसके बाद जब आपकी स्पीड लिमिट 60 हो जाए तो आपने थर्ड गियर लगाना है, और जब आपकी स्पीड लिमिट 40 हो जाए तो आपने सेकंड गियर देना है। 40 के बाद आपकी स्पीड लिमिट जब 20 से डाउन हो जाए यानी 10 पे आ जाए, तो फिर आप नॉर्मल फर्स्ट गियर दे सकते हैं। लेकिन ज़्यादा टाइम आप कोशिश करें कि आप हाफ क्लच रख के सेकंड गियर ही यूज़ करें। कंप्लीट गाड़ी रोक जाए तो आप फर्स्ट गियर यानी गाड़ी को चलाने के लिए आप फर्स्ट गियर यूज़ करें। बाकी अगर आपका थोड़ा थोड़ी भी गाड़ी चल रही है तो आप हाफ क्लच रख लें और सेकंड गियर को यूज़ करें। अभी आपका टेस्ट शुरू हो रहा है, अभी हम लोग पार्किंग में खड़े हैं, तो पार्किंग से आपने बाहर कैसे निकलना है। सबसे पहले आपने फर्स्ट गियर लगाना है। ये मैंने फर्स्ट गियर लगाया। फर्स्ट गियर लगाने के बाद हैंड ब्रेक को डाउन करना है। हैंड ब्रेक को डाउन करने के बाद आगे अगर आपके कोई गाड़ी नहीं है तो आपने स्टीयरिंग को हाफ रखना है। अगर आपके आगे कोई गाड़ी खड़ी है तो आपने एक राउंड पूरा देना है गाड़ी को निकालने के लिए, और राउंड देने के बाद फिर आपने पीछे देख के लेफ्ट मिरर से और ब्लाइंड स्पॉट भी देखना है। अगर 100 मीटर मिनिमम आपसे गाड़ी दूर है या इससे ज़्यादा होनी चाहिए तो आपने लेफ्ट इंडिकेटर देना है। लेफ्ट इंडिकेटर देने के बाद आपने आराम आराम से गाड़ी को निकालना है। अभी निकलने के टाइम आपने पहले थोड़ा सा एक्सीलेटर दे के फिर आपने आराम आराम से क्लच को छोड़ना है, और जब 20 पे आपकी स्पीड चली जाए तो आपने, अभी मैंने सेकंड गियर दिया, मेरी स्पीड 20 पे है। अभी 40 पे जाके सेंटर मिरर मैंने देखा और ये थर्ड गियर दिया। थर्ड गियर देने के बाद अभी मिरर हर 5 सेकंड के बाद मैंने मिरर को देखना है। अभी मेरी स्पीड 60 पे चली गई है, सेंटर मिरर देख के मैंने फोर गियर लगाया है। फोर गियर लगाने के बाद अभी मैं नॉर्मल 80 तक गाड़ी को ड्राइव कर सकता हूँ। अभी आगे राउंड अबाउट आ रहा है, उस पे मैंने गाड़ी को कैसे स्लो करना है। जब 250 मीटर का साइन बोर्ड आएगा तो आपने थोड़ा थोड़ा एक्सीलेटर को डाउन करना है। जब 100 मीटर का साइन बोर्ड आ जाए तो आपने, अगर राइट में जाना है तो राइट इंडिकेटर लगा के 100 मीटर और ये साइन बोर्ड ऑफ राउंड अबाउट का जो है ब्लू कलर का, इससे पहले आपने दोनों के दरमियान में थर्ड गियर देना है। थर्ड गियर देने के टाइम आपकी स्पीड 60 होनी चाहिए। उसके बाद आपने सेकंड गियर देना है। जब सेकंड गियर देना है तो आपकी स्पीड 40 होनी चाहिए।
अभी मैं जब सेकंड गियर देने के बाद मैं लेफ्ट और सीधा दो तीन दफा देखना है राउंड अबाउट में एंट्री से पहले, यानी डॉटेड लाइन से पहले दो दफा या तीन दफा मेरे को लेफ्ट और सीधा देखना चाहिए। अभी राउंड अबाउट बिजी है, मैं डॉटेड लाइन से पहले खड़ा है। जब हाफ राउंड अबाउट खाली होएगा तो मैं सीधा और लेफ्ट यू टर्न जा सकता हूं, लेकिन राइट जाने के लिए अभी मैंने राइट में जाना है तो मेरे को दो लाइन खाली चाहिए। अगर दो लाइन फ्री है, अभी दो लाइन फ्री है, तो मैं राइट में जा सकता हूं। लेकिन अगर अंदर वाला जो लेफ्ट लाइन है उसके अंदर बड़ी गाड़ी है तो फिर भी मैं नहीं जा सकता, अगर छोटी गाड़ी है तो फिर मैं जा सकता हूं। अभी छोटी गाड़ी थी इसलिए मैं राइट किया, दो लाइन फ्री थी तो मैंने राइट इंडिकेटर 100 मीटर पहले दिया, लगा के मैं राइट किया। जब आपने राइट करना है, लेफ्ट करना है, यू टर्न करना है, तो राउंड अबाउट का जो 100 मीटर से राउंड अबाउट से पहले जो 100 मीटर का साइन बोर्ड है उसके बराबर आपने इंडिकेटर देना है। अगर आपने सीधा जाना है तो फिर आपने राउंड अबाउट के सेंटर में जाके आपने राइट इंडिकेटर देना है, उससे पहले सीधा जाने के लिए राउंड अबाउट से पहले आपने इंडिकेटर नहीं देना है। अभी हम लोग जा रहे हैं, अभी आगे मैं राउंड अबाउट से सीधा जाएगा, अभी मैं आपको बताऊंगा कि राउंड अबाउट से सीधा कैसे जाना है। सीधा जाने के लिए 100 मीटर का अभी साइन बोर्ड आएगा, मैंने अभी थोड़ा थोड़ा स्पीड डाउन करना शुरू किया, एक्सीलेटर कम करना और हल्का हल्का ब्रेक दिया। 100 मीटर का साइन बोर्ड और ये राउंड अबाउट का दोनों के सेंटर में मैंने थर्ड गियर दिया, इसके बाद सेकंड गियर दिया। सेकंड गियर देने के बाद अभी मैं लेफ्ट और सीधा दोनों तरफ से देख के राउंड अबाउट खाली है तो मैं अभी सीधा जा रहा हूँ। सीधा जाने के लिए ये जब राउंड अबाउट का सेंटर आएगा तो राइट इंडिकेटर मैंने देना है, और जिस लाइन से मैंने एंट्री की है उसी से मैंने एग्जिट भी करना है। राउंड अबाउट के अंदर लाइन को नहीं आपने चेंज करना। उसके बाद जब भी आपने गियर चेंज करना है, सेंटर मिरर लाजम आपने देखना है, हर 5 सेकंड के बाद लेफ्ट राइट और सेंटर मिरर आपने देखना है। अभी मेरी स्पीड हो गई है 60 पे, मैं जा रहा हूँ 60 पे, जाके मैंने फोर्थ गियर दिया। फोर्थ गियर देने के बाद अभी आगे राउंड अबाउट आएगा, राउंड अबाउट से अभी मैंने लेफ्ट में जाना है। लेफ्ट में कैसे जाना है, जब 250 मीटर का साइन बोर्ड आएगा उसके बराबर जाके मैंने लेफ्ट इंडिकेटर देना है। लेफ्ट इंडिकेटर देने के बाद वन बाई वन लाइन चेंज करके लेफ्ट लाइन में जाना है। अभी ये 250 मीटर का साइन बोर्ड आ गया, मैंने लेफ्ट इंडिकेटर दिया और शार्प करके सडनली स्टीयरिंग नहीं मूव करना, थोड़ा थोड़ा मूव करके एक लाइन चेंज किया। फिर मैंने सेंटर मिरर, लेफ्ट मिरर, ब्लाइंड स्पॉट देखा, फिर इंडिकेटर दिया और फिर मैंने लाइन को चेंज किया। अभी मैं लेफ्ट लाइन में आ गया हूँ। ये साइन बोर्ड से पहले थर्ड गियर, इसके बाद ये सेकंड गियर। सेकंड गियर देने के बाद लेफ्ट और सीधा दोनों साइड में देखना है। अभी राउंड अबाउट खाली है तो मैंने राउंड अबाउट में एंट्री करके अभी ये राउंड अबाउट में एंटर हो गया हूँ। एंटर होने के बाद जब लास्ट एग्जिट आएगा, लास्ट एग्जिट के बराबर मैंने राइट इंडिकेटर देना है और राउंड अबाउट से बाहर चले जाना है। ये राउंड अबाउट से बाहर जाने के बाद अभी मैं लेफ्ट लाइन में हूँ, क्यों, टेस्ट और ट्रेनिंग वाला गाड़ी का राइट लाइन है। अभी मैंने 1 2 3 यानी सेंटर राइट और ब्लाइंड स्पॉट देखा, अभी मैंने इशारा राइट का लगा के शार्प करके एक लाइन चेंज किया, फिर इंडिकेटर बंद करना है। इसके बाद फिर मैंने 1 2 3 ब्लाइंड स्पॉट देख के राइट में, अभी मैं फुल राइट लाइन में आ गया हूँ, इंडिकेटर ऑफ करके अभी ये साइन बोर्ड ऑफ राउंड अबाउट के पास पहुँच के मैंने सेकंड गियर दिया। अभी मेरा नज़र लेफ्ट और सीधा है, दोनों तरफ देख के राउंड अबाउट खाली है तो मैंने एंट्री की है। अभी राउंड अबाउट में जिस राइट लाइन से मैंने हुआ है अभी इसी से एग्जिट करना है। सेंटर में आके अभी मैंने राइट इंडिकेटर दिया और अभी मैं राउंड अबाउट से एग्जिट कर रहा हूँ। एग्जिट करने के बाद अभी मेरा स्पीड 40 पे है, मैंने थर्ड गियर दिया। थर्ड गियर देने के बाद अभी मैं एक्सीलेटर दिया, 60 पे जाके ये मैं अभी फोर गियर लगा रहा हूँ। फोर गियर लगाने के बाद अभी मैं 80 पे जाके ये मैं अभी 80 पे जा रहा हूँ, बस नॉर्मल मैं 80 पे गाड़ी को चला रहा हूँ। हर 5 सेकंड के बाद सेंटर राइट और लेफ्ट मिरर, यानी सेंटर देखा, फिर आगे देखा, फिर राइट देखा, फिर आगे देखा, फिर लेफ्ट मिरर देखा, फिर आगे देखा। अभी आगे राउंड अबाउट आ रहा है तो हमने यू टर्न करना है। यू टर्न करने के लिए मैंने 250 मीटर साइन बोर्ड के बराबर लेफ्ट इंडिकेटर देखे, 1 2 3 इंडिकेटर लगा के एक लाइन चेंज किया,
फिर सेंटर लेफ्ट और ब्लाइंड स्पॉट देखा, फिर इंडिकेटर लगा के ये थर्ड गियर देना है। अभी साइन बोर्ड के बराबर सेकंड गियर दिया, अभी मैं लेफ्ट और सीधा देख रहा हूँ। अभी लाइन बिजी है तो मैं ऑडिट लाइन पे स्टॉप करके फर्स्ट गियर दिया, अभी राउंड अबाउट हाफ खाली है तो मैं एंट्री करके अभी मैंने 20 पे जाके राउंड अबाउट के अंदर सेकंड गियर देना है। सेकंड गियर से बड़ा आप राउंड अबाउट के अंदर गियर नहीं लगा सकते, फर्स्ट और सेकंड गियर आप राउंड अबाउट के अंदर लगा सकते हैं। अभी मैं यू टर्न कर रहा हूँ राउंड अबाउट का, जब लास्ट वाला एग्जिट खत्म होएगा तो मैंने राइट उसके बराबर राइट इंडिकेटर दिया और अभी मैं राउंड अबाउट से एग्जिट कर रहा हूँ। अभी मैं लेफ्ट लाइन से निकल रहा हूँ, क्यों मैं राउंड अबाउट से पहले लेफ्ट लाइन से इंटर हुआ था और लेफ्ट लाइन से मैं आउट हो रहा हूँ। लेफ्ट और यू टर्न करने के लिए आपको सिर्फ लेफ्ट लाइन चाहिए। अभी मेरा यू टर्न हो गया, जब बाहर निकला राउंड अबाउट से तो अभी राइट इंडिकेटर लगा के मैंने वन बाई वन लाइन को चेंज करना है। चेंज करने के बाद सेंटर लाइन में जाना है, सेंटर लाइन जाने के बाद इंडिकेटर मिरर देख के फिर इंडिकेटर लगा के फिर मैंने राइट में आना है। अभी लाइन चेंज किस तरह करना है, जब आप सेंटर लाइन में हैं, सेंटर लाइन से राइट में आने के लिए आप तीन जगह पे लाइन नहीं चेंज कर सकते, इंटरसेक्शन के सामने, बस स्टॉप के सामने और पार्किंग के सामने, ये तीन जगह में आप लाइन सेंटर से राइट में नहीं आ सकते। राइट से सेंटर में आप जा सकते हैं, सेंटर से आप लेफ्ट में जा सकते हैं, लेफ्ट से आप सेंटर में आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ सेंटर से आप राइट में लाइन नहीं चेंज कर सकते, 20 मीटर पहले या बाद में आप लाइन चेंज कर सकते हैं। इसके बाद अभी फिर मैं राउंड अबाउट के अंदर एंटर हुआ हूं और मैं अभी सीधा जा रहा हूं। सीधा जाने के बाद सेंटर में आके राइट इंडिकेटर दिया, राइट इंडिकेटर के बाद अभी मैं राउंड अबाउट से एग्जिट कर रहा हूं। एग्जिट करने के बाद अभी मैं राइट लाइन में हूं, राइट लाइन में सीधा मैं जा रहा हूं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि एमरजेंसी स्टॉप कैसे करना है। एमरजेंसी स्टॉप जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो आपका एग्जामिनर आपको बोलेगा कि आप एमरजेंसी स्टॉप करो। सबसे पहले आपने सेंटर मिरर को देखना है, फिर आपने हैजर्ड को प्रेस करना है। हैजर्ड को प्रेस करने के बाद आपने स्लोली स्लोली 50 या 60 मीटर के अंदर गाड़ी को स्टॉप करना है और जो आपका राइट साइड में फुटपाथ है या कर्ब स्टोन लगा होगा उससे आपने 2 फीट का डिस्टेंस रखना है। गाड़ी स्टॉप करने के बाद सबसे पहले आपने हैंड ब्रेक लगानी है, फिर उसके बाद आपने न्यूट्रल करनी है। ये आपका एमरजेंसी का तरीका है। एमरजेंसी करने के टाइम 5 जगह आप गाड़ी को स्टॉप नहीं कर सकते, मेन होल, साइन बोर्ड, बस स्टॉप, पार्किंग और इंटरसेक्शन, ये 5 जगह में आप गाड़ी को स्टॉप नहीं कर सकते। उससे 20 मीटर पहले या बाद में आपने गाड़ी को एमरजेंसी स्टॉप करना है। उसके बाद राउंड अबाउट के करीब 100 मीटर राउंड अबाउट के करीब या इंटर होने से पहले या एग्जिट करने के बाद 100 मीटर के अंदर राउंड अबाउट से पहले 100 मीटर और राउंड अबाउट के बाद 100 मीटर आप एमरजेंसी स्टॉप गाड़ी को नहीं कर सकते। यानी एमरजेंसी में भी आप ये 2 जगह में गाड़ी स्टॉप राउंड अबाउट के करीब नहीं कर सकते। अभी चलने का तरीका क्या है कि मैंने ये हैंड ब्रेक पहले गियर लगाया, फिर हैंड ब्रेक डाउन किया, उसके बाद जब थोड़ा सा मेरा गाड़ी मूव हो जाएगा तो फिर हैजर्ड ऑफ करके मैंने सेकंड गियर दिया है। अभी फिर मैं ये राउंड अबाउट से सीधा जाएगा, राउंड अबाउट से सीधा जाने के बाद आगे राउंड अबाउट एग्जिट करने के लिए मैंने राइट इंडिकेटर दिया, राइट इंडिकेटर के बाद मैं अभी राउंड अबाउट से एग्जिट कर रहा हूँ। एग्जिट करने के बाद अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपने पार्किंग कैसे करना है। अभी ये आगे पार्किंग आ रही है, पार्किंग में मैं अभी थर्ड गियर दिया है, मेरी स्पीड 40 से ऊपर है तो मैं पार्किंग से 100 मीटर पहले अभी ये राइट इंडिकेटर लगाया और थोड़ा सा आपने गाड़ी को राइट में रखना है और पार्किंग के करीब जाके आपका स्पीड जब डाउन हो जाए तो आपने सेकंड गियर लगा के जब फर्स्ट कॉर्नर आ जाए तो आपने 20% या 25% स्टीयरिंग को मूव करना है राइट में, फिर जब दूसरा कॉर्नर आ जाए तो आपने लेफ्ट में उतना ही स्टीयरिंग को दोबारा मूव करना है। मूव करने के बाद जब आपका गाड़ी सीधा हो जाए तो आपने स्टीयरिंग को सीधा रख लेना है। सीधा रखने के बाद जब आगे वाला वी आपको नजर आए तो आपने ड्राइवर सीट पे बैठ के वो वी को नजर आना चाहिए और गाड़ी को स्टॉप करना चाहिए, स्टॉप करके हैंड ब्रेक और न्यूट्रल, और राइट साइड में जो आपकी
फुटपाथ है या कर्ब स्टोन है उससे आपका 2 फीट का डिस्टेंस सेम होना चाहिए।